सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव और मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने टाउन हॉल स्थित पटाखा दुकानदारों के साथ मॉक ड्रिल किया, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि महानगर में दीपावली पर प्रत्येक वर्ष टाउन हॉल सहित महानगर के 11 स्थानों पर पटाखों की दुकान लगती है। इस वर्ष भी टाउन हॉल पर पटाखों की दुकान लगाई गई है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस व प्रशासन के साथ मॉक ड्रिल किया गया है और मॉक ड्रिल के माध्यम से पटाखों के दुकानदारों को आग से बचाव की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पटाखों की बिक्री करें तथा मास्क का प्रयोग जरूर करें। उन्होंने बताया कि लाइसेंस का सत्यापन भी कराया जा रहा है, जिससे कोई बिना लाइसेंस के दुकान ना लगा पाए। अगर कोई बिना लाइसेंस के दुकान लगाते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि महानगर में 350 दुकानों को लाइसेंस दिया गया है तथा लाइसेंस देते समय सभी मानकों को ध्यान में रखा गया है। इस अवसर पर अपर नगर मजिस्ट्रेट अंशुमन सिंह सहित पटाखों के दुकानदार मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, ग्रीन क्रैकर आते हैं, ग्रीन क्रैकर सब ये एक्चुअल में सब ये सब ग्रीन ही हो गए, इसमें एक केमिकल आता था वो केमिकल निकाल दिया। आपका लाइसेंस है, मिला है कचहरी से? लाइसेंस दिखाइए। मतलब कब से लोग आना शुरू करेंगे? अभी तो कल से आज ज़्यादा नहीं रहेंगे, बस आज जो हो गया बस हो गया। अच्छा, रात को नहीं आते? नहीं, 7 बजे के बाद दुकानदारी होती है, दुकानदारी कल बंद होती है। क्या आपने उसका फायर फाइटिंग का बदल लिया, मतलब आग से बचाव के लिए क्या करते हैं? ये दो है, दिखाइए ये सर, ये है सिलेंडर है, वो पानी रखे हुए हैं, रेत है, बालू। ये सिलेंडर चलाना आता है? जी सर, हमारे पास बस दिखाने के लिए, हमारे पास है, हमारे लाज है हमारा, बढ़िया सब सीखेंगे इसको। ओके, ठीक है, ओके। और क्या क्या माचिस माचिस दीपी का रखे हो? अगर बीड़ी पी के कोई मिला, एक भी वो मिला या माचिस की कोई तीली मिल, समझ लीजिएगा तत्काल ही निरस्त हो गए। क्या क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे बताए आपको? एस डी एम साहब ने बताया होगा आपको, वो कोई काम नहीं। क्या क्या बताइए? बीड़ी ना पिए आदमी, सिगरेट ना पिए, आस पास से चेक ना कराए, और आग आग पास सैनिटाइजर लगाना है यहाँ पे, नहीं सर, पकड़ सकती है। ठीक है, तो मास्क तो लगाना नहीं है, मास्क ऐसे मास्क इसको लगा के बिक्री करिए, लेकिन मतलब क्या रह गया? चाय वाय जैसे अंगीठी वाला सिस्टम नहीं, कहीं नहीं आना चाहिए। चाय तो संभावना है कि फट सकता है, और फटा तो आपका सी नहीं फटेगा, पूरा फटेगा लाइन से। ठीक है, फिर जितना एहतियात हो सकता है वो सब, जितना नहीं सारा बालू रखना है आपको, बालू रखा है आपने? बालू है, पानी का टैंकर है यहाँ पे। आप लोग अभी यहाँ लाइनअप कर लीजिए, सीएफओ साहब आ गए हैं जी, आपको ये चलाना सबसे इम्पोर्टेंट आना चाहिए। ठीक है, पानी बालू ये सब चीज़ें, बीड़ी सिगरेट ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना पीना है, ना गरम चाय, ना गरम खाना, कुछ भी रखना है। ठीक है, इधर से आप सब लोग इधर तो सामने इधर चलाएंगे, थोड़ा दूरी 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 दूरी। अरे एक दुकान टाउन हॉल के ग्राउंड में दी गई है, टाउन हॉल का ग्राउंड है,
ठीक है। अनुमति मेरे कार्यालय से दी गई है, अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है, वो शर्तों का पालन आपको करना ही करना होगा। वो शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी, आपको पता होगा। मैं सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर हूँ, मेरे साथ SDM साहब हैं और उनके साथ में आपके साथ CFO साहब हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 3 दिनों में ये है कि आप बिक्री करने में ये ना भूल जाइए कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी भी तरह से कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे आग लगे उसकी संभावना हो। किसी भी तरह से कोई ऐसा काम नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, लोग बीड़ी सिगरेट या ऐसी चीज़ें जला फेंक देते हैं या तो माचिस तीली रखे रहते हैं, पटाखा अक्सर जला के देखिए अच्छा वाला है इसको ट्राई कर लीजिए। आप लोग पुराने लगाते रहे हैं तो आप लोग ये गलतियां नहीं करते होंगे, पर किसी ने भी ये बचकानी हरकत कर दी, आपके दुकान को स्टाफ किसी बच्चे ने अगर ये काम कर दिया, किसी छोटे नौजवान ने कर दिया, तो उससे दिक्कत हो सकती है और पूरा आग के हवाले पूरा ग्राउंड हो सकता है। इसीलिए इस पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी, किसी को भी इस तरह कोई चीज़ नहीं करनी है। इसके अलावा हर आदमी को, जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे मास्क नहीं लगाए हुए हैं, मास्क कैसे लगाना है, सबको मास्क लगा के बिक्री करनी है। इसके अलावा जो ग्राहक आपके यहाँ बिना मास्क लगाए आएगा, बिना मास्क लगाए उसको आप एक मास्क फ्री भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो इतना पटाखा खरीद रहा है तो एक मास्क भी ले लेगा आपसे, या तो आपका बहुत दिल हो तो आप फ्री में मास्क दे दीजिए, पर मास्क दीजिए, बिना मास्क के बिक्री मत करिए, सैनिटाइजर मत रखिए, सबसे बेहतर ये होगा। इसके अलावा CFO साहब अभी आपको डिटेल में बताएंगे आपको क्या क्या करना चाहिए, पर मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि सबको अपनी दुकान पे बालू किसी भी तरह से आग लगने का कोई भी केस नहीं होना चाहिए। आपको पूरी एहतियात से बरतनी चाहिए, पूरी एहतियात आपको बरतनी होगी। इसके अलावा बिक्री करते समय ग्राहकों से जो भी आ रहा है उनसे अच्छा व्यवहार रखना जरूरी है, किसी भी तरह से कोई वाद विवाद नहीं करेगा। हमारी टीम यहाँ पे लगातार फ्लाइंग स्क्वाड घूमती रहेगी, कोई भी इस तरह चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपस में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और हर दुकान पर फायर फाइटिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आग से लड़ाई करने के लिए बचने के लिए चाहिए होता है, सब होना जरूरी है। तो आप लोग पुराने सब लगाने वाले सब जानते हैं बेहतर रूप से, फिर भी एक मॉक ड्रिल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आपके पास जो फायर एक्सटिंग्विशर रखा रहता है वो किस तरह चलता है। दी गई हैं आप लोग COVID-19 का पालन करते हुए बढ़िया से व्यापार करिए, लेकिन उसके साथ सुरक्षा का भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो आतिशबाजी का लाइसेंस आपको 3 दिन के लिए दिया गया है, यहाँ पे काफ़ी दुकानें लगी हैं और कुल मिला के इतने बड़े ग्राउंड पे देखा जाए तो काफ़ी जो है विस्फोटक का स्टार्ट यहाँ पे है। तो जिसके देखते हुए उसमें जो आपको लाइसेंस निर्गत किया गया है उसमें सारी गाइडलाइन उसमें दी गई हैं क्या पालन करना है। आप लोगों को सभी जितने दुकानदार हैं अपने दुकान के सामने पानी का ड्रम रखेंगे, उसके मुँह जो पूरे खुले होंगे और उसमें 2 लीटर 2.5 लीटर क्षमता का कोई छोटा सा बाल्टी मग्गा भी जो कि पानी निकालने के लिए रखेंगे, बालू रखेंगे, फायर का एक्सटिंग्विशर रखेंगे, उनको चलाने का भी हम लोग आपको प्रशिक्षण भी देंगे कैसे चलाना है। जितने भी लाइसेंसी धारक हैं सब अपनी दुकान पर रहेंगे, उनके साथ ही वयस्क लोग ही उनके साथ विक्रय कार में सहयोग कर सकते हैं। पानी से यहाँ पर रख लीजिए, बाल्टी पानी रखा हुआ है और एक दूरी बना के मास्क लगा के, जैसे सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बताया है कि खुशहाली से अच्छा त्यौहार है, इसमें हर घरों में दीपक और पटाखे का प्रयोग होता है भारी मात्रा में। एक जो लगी हुई है ये सेफ्टी का क्लिप है, ये इसको जैसे कि आप उठाएंगे हैंडल करेंगे दब जाए तो ना दबे, नहीं तो इसका प्रेशर से जो पाउडर है बाहर निकलेगा। एक यहाँ पे छोटी सी सील है कापर की, वो ऐसे ऐठेंगे तुरंत टूट जाएगी, बहुत केवल हल्का, और इसके बाद इस पिन को खींच लेना है। खींचने के बाद और उसके बाद जहाँ पे आग हो जहाँ पे है वहाँ पे पास जाके एक हाथ से पाइप को पकड़ना है और एक हाथ से इसको पकड़ के बहुत आसानी से करना है। अब आपको दिखा रहे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोग को, जी जी जी। ये बहुत आसान, देखिए ये बहुत तुरंत टूट जाएगा, टूट गया ना, धागे से भी कमजोर है, ठीक है। ये देखिए बहुत आसानी से निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये इसको अब ये जो इसके सेफ्टी के लिए लगाए गए थे वो सेकेंड भर नहीं लगेगा, सब हट गया। अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे इसलिए कि आप लोग खड़े हैं, इसको पकड़ना है और इसको ऑपरेट करना है, देखिए ठीक है, करना बहुत आसान है, चलाना। तो इसका आप लोग सबको ऑपरेट करना आना चाहिए, सबकी दुकानों पे हम लोग बीच बीच में चेक करेंगे। ये एक टूटल लगा होना चाहिए, पानी बाल्टी और ड्रम ये सब होना चाहिए। सिविल पुलिस है,
आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सारे डायरेक्शंस आपके लिए हमने बताए, पर आप ये खुद जानते हैं सारी चीजें, किस तरह बचाव करना, किस तरह क्या करना है, किस तरह विवाद नहीं होगा, किस तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, ये सब आपको सब पता है। तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बनती है कि आपको इन सब चीजों का पालन करना है। इरशाद अहमद जी सर, ये अनार है, ये हल्का फुल्का आवाज है वो, और कुंजरिया वगैरह है। अच्छा, क्या क्या आपने फायर फाइटिंग के लिए, आग से बचाव के लिए क्या क्या रखा है अपने दुकान पे? बालू है, तो पानी में ड्रम है, ड्रम में पानी है। वो ये पीछे जो मशीन रखी से क्या कहते हैं, ये आग बुझाने का काम करती है। चलाना आता है इसको? अभी आपने बताया है, आप चला लेंगे अपने से? जी, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या सावधानी रख रहे हैं? सैनिटाइजर कहाँ रखे हैं? कुछ समस्या नहीं, सब सही चल रहा है, ठीक है। दिवाली के अवसर पर कचहरी क्लब जो टाउन हॉल जिसे कहते हैं, वहाँ पे अस्थायी पटाखे की दुकानें लगती हैं। तो इस तरह से 11 स्थान पूरे शहर में चिन्हित हुए हैं जहाँ पे अस्थायी पटाखे की दुकानें 3 दिनों के लिए लग रही हैं। तो उसी क्रम में आज फायर विभाग की टीम के साथ और साथ ही पुलिस के साथ यहाँ पे एक मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें जो भी दुकानदार, उनको बताया गया कि किस तरह से फायर फाइटिंग करनी है, इनकेस अगर कोई आग की स्थिति होती है तो किस तरह से उनको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना है और किस तरह से बचाव रखना है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल्स के बारे में उनको बताया गया है और साथ साथ मास्क का इस्तेमाल और जो अन्य आवश्यक चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक मॉक ड्रिल करके दुकानदारों को पूरी तरह सचेत कर दिया गया है और सारी गाइडलाइंस पालन करते हुए 3 दिन के दौरान बिक्री की जाएगी। दुकानों का रैंडम सत्यापन कराया जा रहा है, लाइसेंस नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय जारी हो रहे हैं तो उसका सत्यापन कराया जा रहा है। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी लगी हुई है कि कहीं भी अगर कोई भी उल्लंघन होता है या कोई भी बिना लाइसेंस के व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो ये 3 दिन की प्रक्रिया है और जाँच चल रही है और सभी चीज़ें अभी तक सही चल रही हैं। देखिए, लगभग 350 लाइसेंस दिए गए हैं और जो 11 स्थानों पे चिन्हित स्थानों दिए गए हैं और जो स्थान पूर्व में चिन्हित थे उन्हीं पे दिया गया है और जो पूर्व में व्यापार करते रहे थे पूरा प्रयास है उनको लाइसेंस दिया गया है।